नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आनंद और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है आनंद जी। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम लोग कोलकाता के दीघा बीच के ऊपर, तो ये समुद्री किनारा है कोलकाता का, बहुत फेमस, और मैं आज आप लोग को घुमाऊंगा कि कोलकाता का समुद्री किनारा जो है वह है कैसा और ज़्यादातर मात्रा में लोग यहाँ घूमने क्यों आते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को भ्रमण कराता हूँ कोलकाता का दीघा बीच का। तो दोस्तों, ये है कोलकाता का दीघा बीच जाने का रास्ता और हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जितने भी लोग यहाँ घूमने आते हैं तो यहाँ अपनी अपनी गाड़ी को पार्क करके और बीच के तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है कोलकाता का दीघा बीच और आप देख सकते हैं कि यहाँ बाजारें भी छोटे छोटे उपलब्ध हैं और काफ़ी भारी संख्या में यहाँ चारों तरफ बाज़ार हैं। यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो सभी यहाँ आकर के अपने अपने सामान खरीदते हैं या फिर उनको कुछ ले जाना होता है अपने घर, तो यहाँ से यादगार के रूप में खरीद कर अपने अपने घर ले जाते हैं। तो आप सभी देख रहे हैं कि लोग जो हैं यहाँ अपने अपने सामान पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ बाज़ार लगे हैं और लोग अपने अपने ज़रूरत की चीज़ यहाँ खरीदते हैं और जो भी लोग घूमने आते हैं वो सभी लेकर के जाते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि समुंदर के सीप से बने हुए सामान भी बिक रहे हैं और यह समुद्री इलाका है तो यहाँ वो सामान ज़रूर मिलेगा और इतने खूबसूरत चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। यहाँ काफ़ी मात्रा में शंख रखे हुए हैं और बैंगल्स भी रखे हुए हैं जो सीप के बने हुए हैं। रेट का जायजा ले लेता हूँ कि ये सब कितने के पड़ेंगे भैया। अच्छा, 100 रुपये से स्टार्ट है, 200-300, जैसे लेते हैं जितने बड़े लेंगे उतना का दाम है। अच्छा, और ये बैंगल्स जो हैं आपके पास ये कितने के हैं? ये सब का भी अलग अलग रेट है। सबसे कम कितने के आते हैं? 100 वाला। और सबसे ज़्यादा 1000 तक जाते हैं। तो आप सभी लोग देख रहे हों कि यहाँ सभी चीज़ों का जो दाम है वो अलग अलग है। तो आप सभी लोग यहाँ देख रहे हो कि रंग बिरंगे गुड़ियाँ और कितने प्यारी प्यारी ये सभी गुड़ियाएँ हैं, डॉल। तो जितने भी बच्चे हैं, बच्चियाँ यहाँ आती हैं तो ये मन लुभावन चीज़ बच्चों के लिए और काफ़ी सुंदर ये सभी लग रहे हैं। क्या रेट पड़ेंगे इसके, क्या रेट पड़ेंगे जो आपके हाथ में? ये 300 रुपये बड़ा है सबसे, इसलिए। अच्छा, और ये 100 रुपये का? अच्छा, ये वाला 150, 150 का, ठीक है। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यहाँ खाने की भी वस्तुएं हैं और लोग यहाँ से खरीद करके अपने अपने घर ले जाते हैं। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे दीघा बीच के ऊपर और ये समुद्री किनारा अब पास में है, तो हम सभी लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके दीघा बीच के तरफ। और ये क्राउड वाली माहौल जहाँ बच्चे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और आप दोनों तरफ ये देख पा रहे होंगे कि सामानें बिक रहे हैं। तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं
दीघा बीच के ऊपर और मैं आप लोगों को यह दिखाता हूँ ये दिखता कैसा है।